हेलो एवरीवन, आप सभी का हलचल इन बॉलीवुड चैनल पे स्वागत है। अक्षय कुमार के सिटीजनशिप को लेकर के जो मामला उठा था वो मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि अक्षय कुमार ने इस बात को साफ करते हुए अपनी राय रखी और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इसके बारे में नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं। मुझे कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से यह सिटीजनशिप एक ऑनरी सिटीजनशिप के तौर पर मिली है और मैं यहाँ इसी देश में काम करता हूँ और यहीं पे टैक्स भरता हूँ, फिर ये नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है। मैं इस मामले से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। हालांकि अक्षय कुमार ने अपनी बात साफ तौर पे रखी, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं एक झूठ छिपा हुआ है। अब वो झूठ क्या है तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा गवर्नमेंट जो ऑनरी सिटीजनशिप देती है, उन्होंने अभी तक केवल 6 लोगों को ये ऑनरी सिटीजनशिप दिया है। और ये ऑनरी सिटीजनशिप जो है ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है। इसमें कोई भी अधिकार या कोई भी कैनेडियन पासपोर्ट या फिर वोट देने का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं मिलता है। और आप जैसा जानते हैं कि अक्षय कुमार के पास कैनेडियन पासपोर्ट है, इसका मतलब है कि अक्षय कुमार ने उस कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अक्षय कुमार यहाँ पर झूठ बोलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि अगर वो अपने काम से रिटायर हो जाते हैं तो वो कनाडा में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। अब चलिए इस बारे में बात करते हैं कि अक्षय कुमार झूठ क्यों बोल रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि वो पिछले 7 सालों से कनाडा नहीं गए हैं और लोग इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो पिछले 7 सालों से कनाडा नहीं गए हैं बल्कि अपने ही देश में रह रहे हैं और अपने ही देश में काम करके अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार कभी भी बहुत बड़े स्टार नहीं रहे हैं, उनका करियर कभी भी बूम पर नहीं रहा है। लेकिन अगर पिछले 5-6 सालों में उनके करियर को देखा जाए तो हिंदुस्तान ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है। उनकी फिल्में धराधर कमाई कर रही हैं, वह देशभक्ति को अपना एक हिट फॉर्मूला बना चुके हैं। उनके अधिकतर फिल्में जो अभी हिट हुई हैं हाल फिलहाल में, वो देशभक्ति के रंग से लबरेज हैं। अब अक्षय कुमार अपनी इमेज भारतीय होने की इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी धब्बा लगा तो उसका असर उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों पर पड़ेगा, उनकी इमेज पर पड़ेगा जो अभी हाल फिलहाल उन्होंने बना रखी। अक्षय कुमार एक बहुत ही डेडिकेटिव एक्टर के तौर पे उभरे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देशभक्ति का फॉर्मूला उनके लिए काफ़ी हिट रहा है, वो काफ़ी कमाई कर रहे हैं और उन्हें एक सेटल्ड करियर हिंदुस्तान में मिला है। अगर वो नहीं मिला होता तो शायद वो कनाडा मूव कर गए होते, या हो सकता है बाद में जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाए तो वो कनाडा मूव कर जाएं। इससे उनकी देशभक्ति का या देशद्रोही होने का कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।